वॉलीबॉल चैंपियनशिप जो कि यहाँ पर होगी स्टेडियम पर खेली जा रही है। आज का पहला सेमीफाइनल मैच खेला जा रहा है कोर्ट नंबर एक में साउथ वेस्ट बंगाल के नौकरी का मुकाबला साउथ सेंटर पर साउथ सेंटर सिकंदराबाद की एक के मुकाबले दो सेट से आगे है और दूसरे सेट में दोनों टीमें एक एक के बराबर है। उसका सिम नंबर उस पर 21 रहता है, सिम का जो सिम नंबर होता है। चौथा सेट चल रहा है और एक एक की बराबरी में दोनों टीम जैसे अब आगे निकलते हुए साउथ वेस्टर्न रेलवे 2-1 से साउथ वेस्टर्न 2 और साउथ सेंटर रेलवे सिकंदराबाद 1 और साउथ चौथा सेट चल रहा है। 2-1 से आगे है साउथ वेस्टर्न रेलवे ओपनिंग टीम। उसमें बोल रहे कि नेटवर्क रहना चाहिए, दूसरे मोबाइल में लगी मेरा मतलब नहीं। फोर वन से आगे एक्टिवेट है महत्वपूर्ण, इसमें कोई गुंजाइश नहीं अब है साउथ सेंटर से सिकंदराबाद के पास। उन्हें हर हाल में इस सेट को जीतना होगा। पॉइंट मिलता हुआ 35 साउथ सेंटर से सिकंदराबाद संघर्ष करती हुई चौथे सेल में बाहर साइड को 4-5 अंतर को कम करके इसमें जो कल आगे बढ़ने गुवाहाटी वाली उसमें एक मेन खिलाड़ी नहीं था नहीं शुरू से अब आ गया नहीं अभी नहीं। लिफ्टर चला गया दिल्ली अपना टास्क के लिए। जो नॉर्दर्न में खेला था नंबर शायद मेरे से 20-30 किलोमीटर का दूर गाँव है कोई घर का बात पता है। कौन सा झूठ झाट बोल के आ गया वहाँ से, झूठ बोल के भाग गया वहाँ से, पता भी नहीं चला ट्रांसफर ले लिया किससे वेस्टर्न में से ट्रांसफर क्या है ना जैसे पता भी नहीं चला ले रहे क्यों ये ट्रांसफर ले रहे। दिक्कत कर दिक्कत हो जाएगा एक एक अंक पॉइंट बनता जा रहा है एस डब्ल्यू आर का। एक्टिवेट हो गया ना मैं चलाया डेढ़ साल तक समझा मैंने फिर फोन चार्ज किया ना फाइव एट 5-8 अभी भी 3
अभी तब से समझा आ गई बहुत ही महत्वपूर्ण यही किया था गलती से कर दे और पॉइंट अंतर कम करते हुए अब पाउट सेंटर में निकलने वाली टीम 6-8-8
सुबह शाम दोनों टाइम होते, एक दो घंटा बैठने पड़ते हैं तो 11:30-11:30 बजे शाम को नहीं। अब वो किससे स्पेयर हो गए, वो किसने जटते हैं किसके लिए स्पेयर हो गए। पांच अंकों की बहुत ही महत्वपूर्ण बढ़त साउथ वेस्टर्न रेलवे के पास, 2-1 से वो आगे हैं इस मैच में और निश्चित तौर पे ये उनके लिए निर्णायक क्षण हो सकता है और हर हाल में ये सिर्फ जीतना होगा साउथ सेंट्रल सिकंदराबाद को अगर उन्हें इस मैच के अपनी चुनौती पर खड़ा रखनी है और फाइनल में प्रवेश करना है, क्योंकि अब थोड़ा धीरे धीरे काम उनका मुश्किल होता जा रहा है। इधर का जो है ना आदमी लोग समझदार, 11:15 समझ नहीं आते, 4 अंकों की बहुत SWR के पास, 2-1 से वो आगे इस मैच में। खड़े हो जाएंगे और जो है अपने फोटो के चक्कर में साउथ सेंट्रल सिकंदराबाद 12 और साउथ वेस्टर्न रेलवे हुगली 16:12:16। चार मैच करा दिए तो 4 मैच तो हो गया लेकिन जीत उल्टी हुई। यहाँ पर रहते हैं, कहाँ पर रहते हैं सरकारी 17-17 परिवार 4 अंकों के लिए हुगली के बाद तुमने एक दिन भर्ती हुआ पांच अंकों की लगातार बढ़त बनाई है। पहला सेट वो जरूर हार गए थे लेकिन उसके बाद से उन्होंने जबरदस्त खेल का प्रदर्शन किया और बढ़त बनाए रखा है। मतलब ये है कि रूम तो 2 मिलने चाहिए, फाइनल के अब 2 मिलने चाहिए था, जबरदस्त प्रदर्शन करना। Oh!
जैसे खाना ना कौन पकाता है? लेड खाना बनाने वाली कितना लेती है? दो टमाटर चाव अपने हाथ से बनाए थे, चाव चाव वगैरह सब अपने हाथ से बनाए थे, चा नाश्ता चा अंडा अंडा ब्रेकफास्ट अपना हाँ जो भी है क्योंकि भाई वो भी अपना घर छोड़ सुबह सुबह ट्वेंटी टू थर्टीन अब लगभग समर्पण सा कर दिया है साउथ सेंट्रल सिकंदराबाद की टीम ने, ऐसा लग रहा है अब उनके खिलाड़ी अब वो दुरुस्त नहीं दिखा पा रहे हैं जिनके लिए जाने जाते हैं। और साउथ वेस्टर्न रेलवे अब एकदम धीरे धीरे अपनी मंजिल की तरफ बढ़ती हुई इस फाइनल छठवें इंटर रेलवे मेन्स वॉलीबॉल चैंपियनशिप के फाइनल की तरफ पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। नौ अंकों की बढ़त बना चुकी है, कोई लगा नहीं एक एक दो वाला एक बार एक दो बार धीरे से लगा लग चुका है ऐसे लगा जैसे आया है डायरेक्ट नहीं लगा गिर के हाथ चल रहा है स्पीड नहीं है नहीं स्पीड नहीं पूर्व बैडमिंटन कोच संजीत प्रधान जी यहाँ मौजूद हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। अब लग रहा है कि औपचारिकताएं शेष हैं और साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली की टीम फाइनल में अब दिखाई देती हुई चौदह तेईस पंद्रह तेईस फिफ्टीन ट्वेंटी थ्री आठ अंकों का अंतर दो एक से आगे और फाइनल में अब पहुंचने की द्वार पे दस्तक लगभग देती हुई साउथ वेस्टर्न और ये उपहार स्वरूप अंक चौबीस अठारह चौबीस पंद्रह ट्वेंटी फोर फिफ्टीन और अब औपचारिकता शेष और कोई किसी भी क्षण अब साउथ वेस्टर्न रेलवे की टीम फाइनल में प्रवेश कर सकती है इस पहले सेमीफाइनल मैच और यही से खत्म और साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली की टीम इस छात्र इंटर रेलवे मेन्स वॉलीबॉल चैंपियनशिप की पहली फाइनल की दावेदार बनती हुई।